अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कयूम खान और आप देख रहे हैं कयूम परदेसी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कंट्री में आप पैसे किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आप बड़ी आसानी से आप अपनी कंट्री में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान किसी भी कंट्री में अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने बैंक अकाउंट से आप अपनी कंट्री पैसे किस तरह से भेज सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने आ जाना है मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपने जाना है आपके पास जो भी बैंक की ऐप है, आली की है, राजी की है, किसी भी बैंक की अगर ऐप है आप उसको ओपन करें। मेरे पास है बैंक अल राजी की ऐप, मैं इसको ओपन करता हूं और आपको बताता हूं कि आप पैसे किस तरह से भेज सकते हैं। मैं इसे ओपन करता हूं बैंक राजी की ऐप को। आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहां अपना पासवर्ड और आईडी टाइप कर देनी है, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड और आईडी लिख देता हूं इधर। ये मैंने ऊपर अपना नाम और नीचे पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी कोड आएगा, इसे हम अलाउ कर देते हैं। वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना है नीचे यहाँ पे ट्रांसफ़र पे। आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करें और उसके बाद आपने आ जाना है इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, ठीक है। आपने बेनिफिशियरी पहले बनानी है, जिस भी दोस्त के नाम पर आप पैसे भेजना चाहते हैं आपने इंटरनेशनल बेनिफिशियरी यहाँ पर क्लिक करें आप, ठीक है। इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड न्यू बेनिफिशियरी यहाँ पे आप क्लिक करें। इसके बाद आपने सबसे पहले सेलेक्ट कंट्री, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री लिख देनी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी आपकी कंट्री है वो आप इधर लिख दें, ठीक है। मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करेंसी करना है, ठीक है। करेंसी हमारी पाकिस्तानी रुपीज़ में, डॉलर है, पाकिस्तानी रुपीज़ है। मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में सेलेक्ट करता हूँ इसे। उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। वैलेट ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, कैश पिकअप। अगर आप नाम पे पैसे ना भेजना चाहते हैं तो आप कैश पिकअप पे, अगर आपके दोस्त, किसी दोस्त के भाई का अगर बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट पे, ठीक है। मैं नाम पे पैसे भेजना चाहता हूं, मैं कैश पिकअप पे यहां पे क्लिक करता हूं, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ सेलेक्ट बैंक करना है, ठीक है, कौन सी आप बैंक में भेजना चाहते हैं। आपके जो भी करीब हो आप वो एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूनाइटेड बैंक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये दो ऑप्शन दोबारा मिल जाते हैं, इसे कैश पिकअप के आप यहाँ पे क्लिक करना है, कैश पिकअप पे, ठीक है, क्योंकि आप नाम पे पैसा भेजना चाहते हैं। उसके बाद आता है सेलेक्ट बैंक ब्रांच, जो भी ब्रांच आपके करीब हो, आप जिस दोस्त को भेज रहे हैं जो भी उसके घर के करीब हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये पूरी होगी डिटेल, आपने इसे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे आपने उस आदमी का नाम लिख देना है जिस पे आप पैसे भेज रहे हैं, उसका नाम जो आईडी कार्ड पे उसका नाम हो वो नाम आपने लिखना है, ठीक है। मैं, मेरे एक दोस्त का नाम है, मैं इधर लिख देता हूँ उधर। अच्छा, ये देखिए ऊपर मैंने जिस आदमी को आप पैसे भेज रहे हैं उसका मैंने नाम लिख दिया है जो उसके आईडी कार्ड पर हो, ठीक है। और यहाँ आपने फैमिली नेम दे देना है, ठीक है। आपने जिसको पैसे भेज रहे हैं उसका नाम लिख दें आप दूसरे नंबर पे भी, ठीक है। यहाँ आपने बेनिफिशियरी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है कि वो आदमी पाकिस्तानी है, कौन है वो पाकिस्तानी, मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने आखिर में उस आदमी का मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। इसको आप इस तरह से पुर कर दें। इसको लिखने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर दें नीचे यहाँ पर। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद ये अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, अगर कहीं आपने मिस्टेक की है तो आप दोबारा उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें आप, इसे अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद आप इसे दोबारा नेक्स्ट कंफर्म करें नीचे यहाँ पे। कंफर्म पे क्लिक करते हैं।
अभी आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, ठीक है। वो कोड मैं अलाउ करता हूँ, ये देखिए ये कोड आ गया है। ये यहाँ पे आपने कॉल मी नाउ पे क्लिक करना है और आपको एक कॉल आएगी। अगर आप इस बेनिफिशियरी को कन्फर्म करना चाहते हैं तो एक का बटन दबाएं, ठीक है। कंप्यूटर की कॉल आएगी आपको यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास कॉल आ गई है, बेनिफिशियरी बनाई है, वो मेरे अभी बन गई, ये देखें आप। अभी दोबारा वापस चलते हैं हम, ये देखिए दोस्तों अभी हमने जो बेनिफिशियरी हमने ऐड कर ली है, ठीक है। दोबारा आपने अपनी ऐप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद और आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है ट्रांसफ़र पे। आप यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने इंटरनेशनल बेनिफिशियरी यहाँ पे, ठीक है, आपने इंटरनेशनल यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखें जो मैंने अभी अपनी बेनिफिशियरी ऐड की थी वो मेरे पास आ गई है, ठीक है। आपने इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आपका जो अकाउंट नंबर है वो शो होगा। यहाँ पे आप क्लिक करें अपने अकाउंट नंबर पे, इस पर क्लिक करने के बाद आप इंटर अमाउंट, आप जितना पैसा भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 5 रियाल भेजना चाहता हूँ, सिर्फ 5 रियाल मैंने लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर आप करेंसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप पाकिस्तानी रुपीज़ में भेजना चाहते हैं या रियाल रेट में, जिस तरह आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। आपने इसे नेक्स्ट करना है, ये देखिए आप अभी आप चेक कर सकते हैं, अगर कहीं भी मिस्टेक है तो आप चेक कर सकते हैं वो, ठीक है। और दोबारा आप इसे कन्फर्म कर दें, आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, जब वो आप अपना कोड टाइप करेंगे आपके पैसे चले जाएंगे उस आदमी के नाम पे जिसके नाम पे आप भेज रहे हैं। लेकिन मैं नहीं भेजना चाहता, सिर्फ मैं आपको ये तरीका बता रहा था कि आप अपने मुल्क आप पैसे किस तरह से भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।